Hi, this is Chetan Chavda, motivational speaker and business coach. I welcome you all on the second part of the series, Sawaal Aapke, Jawaab Mere. दोस्तों पहली सीरीज में हमने 5 सवालों के जवाब दिए और आज इस सीरीज का दूसरा वीडियो है। मैं बहुत खुश हूँ कि लगभग 200 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी क्वेरीज वहाँ पे पूछी है। आई इंसिस्ट यू प्लीज कीप आस्किंग। जैसे ही आप सवाल पूछते रहेंगे हम इसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधूरा काम मत कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सुजीत जी पूछते हैं कि जब मैं साथ में रहता है तो टीम मोटिवेटेड रहता है, एक्साइटेड रहता है, और जब मैं साथ में नहीं होता तो टीम एकदम ठंडा हो जाता है, कुछ काम नहीं करता, तो इसका क्या सोल्यूशन है? देखिए सुजीत जी, आपको एक चीज समझने की जरूरत है। लीडरशिप का मतलब सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना भी होता है। कई बार लीडर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है लेकिन देने से घबराता है और तब इस प्रकार के इश्यू क्रिएट होते हैं। देखिए, एक जंगल में जब हिरन अपने बच्चे को जन्म देती है ना तो उसे लात मारती है। हिरन दुनिया की एकमात्र ऐसी माँ है जो अपने ताजा जन्मे हुए बच्चे को लात मारती है। जब वो लात मारती है ना तो उसे बहुत दुख होता होगा, यकीनन दुख होता होगा, बहुत ही कॉमन बात है ये, लेकिन फिर भी वो लात मारती है। क्यों मारती है पता है? क्योंकि अगर 10 से 15 मिनट में वो बच्चा अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ, भागना शुरू नहीं किया, तो वो किसी का खाना बन जाएगा और माँ अपने बच्चे को मरता हुआ नहीं देख सकती, इसीलिए उसको लात भी मारनी पड़ेगी। आप एक चीज को समझ लीजिए, आप जिम्मेदारी दीजिए। कई बार लीडर घबराता है, नहीं इसको बोलेंगे ये ज्वाइन नहीं करा पाएगा, ये नहीं करा पा रहा तो मैं चला जाऊं। देखिए कभी ना कभी तो आपको करना पड़ेगा, कभी ना कभी तो जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, इसीलिए आप जिम्मेदारी दीजिए। क्योंकि सपोर्ट करना, इसका डेफिनेशन आप समझिए, किसी के साथ काम करना और किसी के लिए काम करना, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। मान लीजिए मैं आपको सिखा रहा हूं, मैंने बोला मैं आपके लिए 10 प्लान दिखाऊंगा, 11वां आपको दिखाना है। अगर आप 11वां प्लान दिखाने का कमिटमेंट दे रहे तो 10 प्लान मैं दिखाऊंगा और उस 10 प्लान में भी आपको सीखना है लेकिन 11वां आपको दिखाना है। लेकिन आप दिखाई नहीं रहे, फिर भी मैं आपके लिए प्लान दिखाए जा रहा हूं, तो क्या हो रहा है? मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, आपके साथ काम नहीं कर रहा हूं। तो इस प्रकार से क्या होगा कि लीडरशिप डेवलप नहीं होगी, डुप्लीकेशन नहीं होगा। तो आपको उस हिरन की तरह थोड़ी सी लात मारनी पड़ेगी, थोड़ी सी जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, या तो वो खड़े हो जाएंगे या फिर किसी का खाना बन जाएंगे। और अगर आपको कामयाब होना है तो आपको ऐसे लोग चाहिए। अपना थोड़ा विस्तार बढ़ाइए सर, और लोग लेके आइए, और जो नए लोग आ रहे हैं ना उनके साथ भी काम कीजिए। 10 के साथ काम करते हैं ये समस्या आती है तो 20 के साथ काम कीजिए, 20 के 20 में ये समस्या है तो 40 के साथ काम कीजिए, नए नए लोगों के साथ काम कीजिए। वो बिल्कुल ब्लैंक पेपर है, उनको जो भी सिखाएंगे वो मानेंगे, उनको डुप्लीकेट करेंगे वो डुप्लीकेट भी होंगे और वो आपकी तरह बहुत बेहतरीन काम करेंगे सर। उसके बाद अगला सवाल है अमित दुबे जी का कि टीम ठीक से काम नहीं कर रही है। देखिए दुबे जी, एक चीज को समझना पड़ेगा, दो चीजें हैं यहां पे, कि मेरी टीम वो काम कर रही है कि नहीं जो उनको करना चाहिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन इससे बड़ा सवाल है एक, कि क्या मैं वो काम कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए, ये बड़ा सवाल है, ये मेन सवाल है। और मेरा ये सवाल पूछने का कारण ये है कि अगर ये सवाल का जवाब हाँ है तो हमें पहले वाले सवाल की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे जो करना चाहिए वो मैं कर रहा हूं ना, तो मेरी टीम क्या कर रही है क्या नहीं कर रही वो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज अ कॉपी कैट मार्केटिंग। टीम आपको कॉपी करती है, जो आप करते वो टीम करती है। हाँ ये बात है कि 100% नहीं करती, शायद 80% 90% करती है, लेकिन जो आप करते वो टीम करती है। आप जो है वो अपनी टीम के इंजन है, आप भागिए सर, इंजन कभी भागते भागते पीछे मुड़ के नहीं देखता है। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, जब आप इस प्रकार का बिजनेस करते हैं जहां पे 4 साल में आदमी करोड़पति बन सकता है, कामयाबी मिल सकती है, तब आपको बहुत तेज बहुत रफ्तार से भागना चाहिए। देखिए आपको एक चीज समझने की जरूरत है, भगवान ने हमें आंखें आगे दी है, क्यों आगे दी? एक आगे एक पीछे देख सकता था, आगे भी देख सके पीछे भी देख सके, लेकिन ये उसका निर्देश है, आगे ही देखो पीछे मत देखो। जब आप गाड़ी चलाते हैं ना तो आगे का शीशा बहुत बड़ा होता है, पीछे देखने के शीशे छोटे होते हैं, मतलब पीछे देखो लेकिन 10%, आगे 90% देखो, ये पूरी तरीके से दिखाता है। हमारे जो पांव हैं वो भी ऐसे होते हैं, मतलब वो आगे की तरफ मुड़े हुए, ये आगे चलने का निर्देश देते हैं, इसलिए आगे देखिए। इंजन कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता, इंजन को एक बात का भरोसा है कि मैं भागूंगा, पीछे गाड़ी आ ही रही है। ओलंपिक की रेस में या दुनिया की किसी भी रेस में भागते भागते पीछे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जब आप पीछे देखते हैं तो 2-3 प्रॉब्लम हो सकते हैं। पहला तो आपका बैलेंस जा सकता है, आप गिर सकते हैं, दूसरा आपकी स्पीड कम हो जाएगी, रफ्तार कम हो जाएगी, तीसरा कोई आपसे आगे निकल जाएगा। इसीलिए अगर कोई भी लीडर खुद को एक सवाल पूछे कि एम आई गिविंग माई 100%, क्या मैं उतना कर रहा हूं जितना मुझे करना चाहिए, मैं अपना 100% दे रहा हूं, और इसका जवाब अगर यस में आता है ना तो उस लीडर को टीम की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है,
क्योंकि टीम आपकी जेरोक्स कॉपी है और जेरोक्स कभी ओरिजिनल से अच्छी नहीं होगी, वो आपके साथ चलेगी और आपको अपने साथ लेके चलाएगी। तो आप टीम की चिंता मत कीजिए, आप खुद को सवाल पूछिए कि आपको जो करना है वो आप कर रहे हैं कि नहीं। अगला सवाल है हेमंत कुमार सिंह, पहली बार फील्ड में कैसे जाए, अकेले ना जाए। पहली बार अकेले ना जाए, तैरना सीखना है, नदी में अकेले ना कूदे, वापिस नहीं आएंगे। फौजी है, बॉर्डर पे जाना है, बिना ट्रेनिंग के ना जाए, क्योंकि अगला ट्रेनिंग लेके बैठा है। इसीलिए फील्ड में जाने के लिए अपलाइन के साथ जाए और अपलाइन के गाइडेंस में जाए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अर्जुन कुमार ने सवाल पूछा है कि सर घर वालों को कैसे भरोसा दिलाए और कैसे मनाए घर वालों को। अर्जुन कुमार जी, बिना चमत्कार नहीं नमस्कार। देखिए, दुनिया का कोई भी घर वाले जो है वो आपके प्रोग्रेस में दुखी नहीं है, आपके प्रोग्रेस में खुश है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है, वी आर नॉट गिविंग रिजल्ट्स। लोग आपके काम से नेगेटिव नहीं है, परिणाम से नेगेटिव है। मैं एक व्यक्ति को मिला था त्रिपुरा के अंदर, उसने बोला कि मेरी जो मम्मी है वो बहुत ही नेगेटिव है सर बिजनेस को लेके। तो वो अपनी मम्मी को सेमिनार में लेके आए थे, तो मैंने उनको पूछा कि आंटी जी आपको क्या दिक्कत है। बोलते कोई दिक्कत नहीं है, जब ये नौकरी करता था तो सुबह उठ के चला जाता था, उसके बाद शाम को घर पे आता था, बहुत मेहनत करता था, और जब से इसने ये बिजनेस स्टार्ट किया है ये 8-9 बजे उठता है, उठने के बाद भी मोबाइल में पड़ा रहता है, दोपहर को 1 घंटा घर पे आके सो जाता है और शाम को 5-6 बजे फिर आ जाता है, टीवी देखता रहता है। तो मुझे आपकी कंपनी से कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी सिस्टम से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो आदमी कुछ काम ही नहीं करेगा, मेहनत ही नहीं करेगा, उसको कहाँ से परिणाम मिलेगा। मैं तो अपने बेटे से नेगेटिव हूँ। लोग आपके काम से नेगेटिव नहीं है, परिणाम से नेगेटिव है। अगर यही लड़का हर महीने 25,000 रुपया अपनी मम्मी को देगा कि मम्मी लीजिए 25,000 घर चलाइए, अगले महीने फिर 25,000, अगले महीने फिर 25,000, तो उसकी मम्मी भी एक्साइटेड हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, मोटिवेटेड हो जाएगी। तो लोग जो है वो आपके काम से नेगेटिव नहीं है, परिणाम से नेगेटिव है। आपको रिजल्ट निकाल के देना पड़ेगा, और अगर आप रिजल्ट निकाल के देते हैं तो फिर सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। दूसरा इसका सॉल्यूशन है कि आप अपने फैमिली को बड़ी मीटिंग या बड़े सेमिनार में लेके आइए, खास करके जब जहाँ पे सेलिब्रेशन होता है, क्योंकि सेलिब्रेशन सेमिनार में उनको विश्वास आएगा कि अगर इतने लोग कामयाब हुए तो मेरा बेटा या बेटी भी कामयाब हो जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो समस्या है ये ज़्यादातर लेडीज़ को आती है, जो महिलाएं घर के साथ काम करती है उनको ये समस्या आती है। इसके कुछ रीज़न है। मान लीजिए कि लेडीज़ जो है अनमेरिड है, तो उनके मम्मी पापा नहीं चाहते कि उसकी बेटी घर से बाहर जाए, दूसरे लोगों से मिले और किसी प्रकार का बिजनेस करे। ज़्यादातर केस में ये समस्या गाँव में, मतलब शहर से दूर जितना जाएंगे ये समस्या थोड़ी बढ़ती जाएगी। और अगर वो लेडी जो है वो शादीशुदा है तो उसका पति जो है वो नहीं चाहता, क्योंकि इंडिया में ऐसे बहुत से पति हैं जो बड़ी बड़ी मूछें रखते हैं और उनको इस बात में बहुत ही शर्म महसूस होती है, नामर्दगी महसूस होती है कि उसकी बीवी कोई काम करे। ठीक है, तो ये सोच है, ये सोच तो बदलनी पड़ेगी, लेकिन हमारा काम तो लोगों की सोच बदलना नहीं है, क्योंकि हमें तो 4 से 5 साल में कामयाब होना है। तो यहाँ पे आपको क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको अपने फैमिली को बिलीफ क्रिएट कराना पड़ेगा, और हो सके तो आप अपने फैमिली को बिजनेस में इन्वॉल्व कीजिए। धीरे धीरे जैसे वो बिजनेस में इन्वॉल्व होते जाएंगे, वो बिजनेस के बारे में सब कुछ जानेंगे, आपके वर्किंग स्टाइल के बारे में जानेंगे, और धीरे धीरे वो पूरी तरीके से पॉजिटिव हो सकते हैं। एक बहुत अच्छा सवाल है इस्लाम परवेज जी का, अपलाइन को डाउनलाइन को कॉल करना चाहिए या डाउनलाइन को अपलाइन को कॉल करने से बेनिफिट है, बताइए सर। इस्लाम जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। देखिए, आपके अपलाइन के पास लॉट्स ऑफ डाउनलाइंस है, हो सकता है 200, 500, 1000, 2000, 5000, 50000, मुझे तो पता नहीं, ठीक है, लेकिन आपके पास शायद अपलाइन एक ही है, आपके पास एक ही ऑप्शन है, उनके पास हजारों लाखों ऑप्शन हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक उसूल बताता हूँ, अगर आपके अपलाइन आपको कॉल करते हैं ना तो वो उसका बिजनेस हो रहा है, आपका बिजनेस नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप अपनी अपलाइन को कॉल करते हैं ना तब आपका बिजनेस स्टार्ट होता है, तब आप एक बिजनेसमैन बनते हैं, तब आप अपने नेटवर्क के मालिक बनते हैं। देखिए, डाउनलाइन को रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी कि मेरे पास एक अपलाइन है जो मुझे आगे बढ़ा सकता है, उसके पास हजारों ऑप्शन है, वो किसी के भी साथ काम करके आगे बढ़ जाएगा, लेकिन मेरे पास तो एक ही ऑप्शन है, तो मुझे उस अपलाइन को अपने साथ लेकर चलना है, उसके साथ मुझे अपना कम्युनिकेशन बिठा के रखना है, मुझे फ़ोन का इंतज़ार नहीं करना है। मान लीजिए कि आपके अपलाइन की टीम में 5,000 लोग हैं और ये 5,000 लोग ये सोच के बैठे रहेंगे कि एक दिन मुझे मेरा अपलाइन फ़ोन करेगा, क्यों नहीं करता, उसको रोज करना चाहिए। तो अगर
वो व्यक्ति 5,000 लोगों को कॉल करेगा तो उसका पूरा दिन फोन में ही चला जाएगा, फिर भी वो 5,000 लोगों को क्या 500 को भी फोन नहीं कर पाएगा, लेकिन वो 5,000 में से कोई भी व्यक्ति चाहेगा तो उसको फोन कर सकता है। तो इसीलिए डाउनलाइन को ऑफलाइन को कॉल करना चाहिए, जिससे कि ये कम्युनिकेशन 100% तरीके से बना रहे, इस बात को पूरी तरीके से समझने की जरूरत है। अगला सवाल है के मेशराम, स्पोर्ट ज्वाइनिंग कैसे करें? देखिए, स्पोर्ट ज्वाइनिंग ही करनी है, ज्वाइनिंग ऑन दी स्पॉट ही करनी है, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद नहीं करनी। वो जमाना चला गया, वो 20 साल पुरानी ट्रेनिंग है कि 24 घंटे में मिलो, 48 घंटे में मिलो, नहीं। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, मैं 4 बेसिक में नहीं 3 बेसिक में बिलीव करता हूँ। लिस्ट बनाओ, प्रोस्पेक्टिंग करो, प्लान दिखाओ, तुरंत ज्वाइन कराओ। जब बंदा आपके सामने बैठा है तब आप उसको ज्वाइन नहीं करा पाओगे तो 4 दिन बाद क्या कर लोगे? और मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी व्यक्ति सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड तब होता है जब वो प्लान देखा होता है। मतलब जिसने अभी प्लान देखा है ना, वो अभी इसी वक्त सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड है, तो उसी वक्त उसके ज्वाइन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमारा डर, हमारी हेजिटेशन, हम उसको पूछते ही नहीं है कि आपको ज्वाइन करना है कि नहीं, आपको क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, हम ठीक से फॉलोअप नहीं करते। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑब्जेक्शन आने के बाद आप जो बोलते हैं ना, जैसे ऑब्जेक्शन आ गया कि मुझे सोचना है, या थोड़े दिन बात करना है, या मेरे पास पैसा नहीं है, या मेरे दोस्त ने कंपनी की थी, ठीक है, तो ऑब्जेक्शन आने के बाद आप जो समझाते हैं, आप जितना बोलते हैं, जिस प्रकार से बोलते हैं, उससे ही ज्वाइनिंग आती है। उससे पहले जो बोलते हैं ना, वो तो सिर्फ फॉर्मालिटी है, लेकिन ज़्यादातर लोग ऑब्जेक्शन आने के बाद कुछ बोलते नहीं है। और ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको ऑब्जेक्शन आते नहीं, क्योंकि वो पूछते ही नहीं, वो डिसीजन ही नहीं पूछते, वो घबराते हैं। तो इसीलिए अगर आपके प्लान की बिगिनिंग बहुत ज़बरदस्त है, जैसे मैंने इससे पहले ही बताया, बिगिनिंग में अगर अपनी नीड या ड्रीम दोनों में से किसी एक चीज़ को पकड़ा है और उसके सॉल्यूशन के रूप में अगर आपने प्लान दिखाया है, तो क्लोजिंग आपकी ऑन द स्पॉट होगी। लेकिन आपको ये माइंड में रख के चलना है कि मुझे क्लोजिंग ऑन द स्पॉट करनी है, मुझे ऑन द स्पॉट ही ज्वाइन कराना है। जैसे कि 10 को प्लान दिखाऊंगा तो 4 को, तो 5 को ऑन द स्पॉट कराना है। ये माइंडसेट लेके आपको चलना पड़ेगा, आपको अपनी स्किल को इस लेवल तक डेवलप करना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। क्योंकि जो आप करेंगे वो आपकी टीम करेगी। अगर आप प्लान कर करके छोड़ देंगे तो फिर आपकी टीम भी यही करेगी, फिर ओवरऑल आपका जो रिजल्ट है वो बहुत डाउन चला जाएगा, आपका बिजनेस बहुत डाउन चला जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि मैं आपके सवालों के जवाब दे पाया हूं और ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अगर इसी प्रकार के आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप कमेंट्स में और भी सवाल लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब देने की। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, आप इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर भेजिए जिनको इनकी ज़रूरत है। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी द बेस्ट।